हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टीम पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है वो आईटी की तैयारी करे बच्चे और उसके अलावा जो अन्य टेक्निकल के एग्जाम की तैयारी करे बच्चे उनके लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हमारे वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास हमने डिसीजन नेटवर्क की ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देखा था, आज हम डिसीजन नेटवर्क की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिसीजन नेटवर्क क्लासिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैंने कल इतना आपको बताया दिया था, आज वापस इसके बारे में थोड़ा बताया था। हम क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। डिसीजन नेटवर्क क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो करते हैं प्राइमोर के आधार पर, दूसरा करते हैं उत्तेजन प्रणाली के आधार पर। प्राइमोर के आधार पर, प्राइमोर यानी कि उसको घुमाने के आधार पर, यानी कि प्राइमोर क्या करता है, डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, प्राइमोर के आधार पर तीन प्रकार के जनरेटर होते हैं, एक तो होता है वाष्प चालित, दूसरा होता है डीजल चालित और तीसरा क्या होता है, जल टर्बाइन आधारित। ठीक है, ये प्राइमोर क्या करता है, इनको घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर देख लेते हैं। तो उत्तेजन प्रणाली के आधार पर दो प्रकार के जनरेटर होते हैं, कौन कौन से, स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। स्व उत्तेजित जनरेटर क्या होता है, जिसमें हमारे को अलग से ईएमएफ देने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इसके जो पोल है उनको एक्साइटेड करने के लिए हमारे को अलग से ईएमएफ नहीं देना पड़ता, वो अपने द्वारा जो पैदा किए गए जो ईएमएफ उसी से पोल क्या होता है, एक्साइटेड होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर बोलते हैं। उसके अलावा पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है। ठीक है, स्व उत्तेजित जनरेटर को हम तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, आगे हम इसका अच्छी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम प्राइमोर के आधार पर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल टर्बाइन आधारित की। जल टर्बाइन आधारित में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक हमारे पास में टर्बाइन होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, एक हमारे पास में ये टर्बाइन है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेंड्स टर्बाइन है। ठीक है, अब टर्बाइन पर क्या होता है कि एक बांध होता है। ठीक है, बांध में क्या होता है, पानी स्टोर होता है और यहाँ पर क्या होता है, बांध से पानी गिरा जाता है। ठीक है, बांध में हम क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं। बांध किसको बनाया जाता है, दिया तालाब को बनाया जाता है। तो बांध में जो स्टोर हुआ पानी वो क्या होता है, यहाँ पर टर्बाइन के ऊपर गिरा जाता है। ठीक है, टर्बाइन के ऊपर गिराने से क्या होता है, टर्बाइन क्या होता है, रोटेशन बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, जल टर्बाइन आता है, जनरेटर बोलते हैं। तो इसके रोटेशन से क्या होता है, इस पर इसकी शाफ्ट पर जो जुड़ा हुआ जनरेटर है, इसकी शाफ्ट पर जो जुड़ा हुआ जनरेटर है फ्रेंड्स, ठीक है, इसकी शाफ्ट पर हम क्या जोड़ते हैं फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर जोड़ते हैं। ठीक है, तो डीसी जनरेटर किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमोर से जुड़ा हुआ है, यानी प्राइमोर का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, जल टर्बाइन कर रहा है। ठीक है, टर्बाइन क्या होता है, टर्बाइन के रोटेशन से क्या होता है, डीसी जनरेटर भी रोटेट करता है, जिस कारण हमारे क्या मिलता है फ्रेंड्स, ईएमएफ मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स, ईएमएफ मिलता है। तो जल टर्बाइन आधारित यही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको जल टर्बाइन आधारित अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम प्राइमोर के आधार पर देख रहे थे, नेक्स्ट वाष्प आधारित। हमने जल टर्बाइन आधारित जनरेटर देख, जल टर्बाइन में क्या होता है, एक टर्बाइन लगाता है जो कि किस में लगाया जाता है, नदी पर बना होता है, उसमें जल टर्बाइन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो उससे हमारे क्या मिलती है, यात्री ऊर्जा मिलती है। वाष्प आधारित में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो गन्ने की जो क्या होता है, खोई, गन्ने की खोई या फिर चावल की भूसी, चावल की भूसी यानी कि चावल का जो कचरा होता है, यानी ठीक है, चावल जब पैदा होता है खेतों में, ठीक है, तो चावल को हम जब अलग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कचरा जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, चावल की भूसी। ठीक है, इनको क्या करके, इनको जलाते हैं। ठीक है, इनको जला कर क्या पैदा की जाती है फ्रेंड्स, वाष्प पैदा की जाती है। उस वाष्प को कहाँ फेंका जाता है, वाष्प आधारित टर्बाइन पर फेंका जाता है और वो टर्बाइन क्या होता है, रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वाष्प आधारित जनरेटर बनता है। ठीक है, तो गन्ने की खोल, चावल की जो भूसी होती है, ठीक है, उससे उनको जलाकर, भूसी को जलाकर, जलाकर वाष्प क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पैदा करते हैं, वाष्प पैदा करते हैं। ठीक है, यह वाष्प किस पर फेंकी जाती है, यह वाष्प जो वाष्प टर्बाइन होता है, ठीक है, यह वाष्प वाष्प टर्बाइन पर, वाष्प टर्बाइन पर फेंकी जाती है, फेंकी जाती है। ठीक है, तो इस पर आधारित जो फ्रेंड्स एग्जाम पूछा था कि वाष्प आधारित जो संयंत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं,
तो इनको बोला जाता है फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो यह वाष्प क्या होती है, वाष्प टर्बाइन पर फेंक जाती है। ठीक है, इन पर आधारित जो संयंत्र होते हैं उनके एग्जाम में नाम पूछा जाता है कि वाष्प आधारित जो संयंत्र होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको फ्रेंड्स बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इस पर जो फ्रेंड्स आधारित जो संयंत्र होते हैं, ठीक है, इस पर आधारित संयंत्र को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, ताप आधारित संयंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ताप आधारित संयंत्र भी कहते हैं, यानी कि जो वाष्प से जो बिजली जहां पर बनती है उस पावर प्लांट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ताप आधारित प्लांट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम क्या था फ्रेंड्स, थर्मल पावर प्लांट, ये आपने नाम सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में फ्रेंड्स क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि चावल की जो कचरा वगैरह, चावल की जो भूसी होती है, गन्ने की खोई वगैरह, ठीक है, उनको जला क्या पैदा की जाती है, भाप पैदा की जाती है। उस भाप को क्या कहाँ पर फेंका जाता है, वाष्प जो टर्बाइन होती है उस पर फेंका जाता है, और टर्बाइन उससे क्या होता है, रोटेट होता है, और उससे क्या होती है, बिजली पैदा होती है। इस पर आधारित जो संयंत्र होते हैं यानी कि प्लांट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ताप आधारित संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वाष्प आधारित संयंत्र अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड डीजल आधारित, डीजल आधारित संयंत्र में क्या होता है, किसमें क्या होता है, डीजल इंजन से जोड़ा जाता है, जो हमारा जनरेटर होता है उसको क्या करता है, डीजल जनरेटर से जोड़ा जाता है। डीजल जो जनरेटर होता है वही प्राइम मूवर पर काम करता है। फ्रेंड्स प्राइम मूवर का मतलब क्या होता है कि एक तरह की यांत्रिक विधि होती है। ठीक है, प्राइम मूवर का मतलब क्या होता है, यांत्रिक विधि के द्वारा क्या करना, जनरेटर को घुमाना। तो ये क्या होता है, प्राइम मूवर का आधार पर, प्राइम मूवर का आधार पर हमने बताया था डीजल आधारित, वाष्प चालित और जल आधारित। अब फ्रेंड्स हम बात करें डीजल आधारित की, डीजल आधारित में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक डीजल इंजन को क्या करते हैं, जनरेटर से कपलिंग करता है। डीजल जनरेटर क्या करता है, इंजन उसको हम किससे कपलिंग करते हैं, जनरेटर से कपलिंग करते हैं, जिससे क्या होती है, बिजली का प्रोडक्शन होता है यानी कि लाइट बनती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, डीजल आधारित संयंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, आजकल जो कटौती होती है विद्युत ऊर्जा की, ठीक है, तो उसमें बड़े पैमाने पर डीजल आधारित संयंत्रों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट करते हैं बात उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। ठीक है, पहले हमने प्राइम मूवर के आधार पर डीजल जनरेटर का वर्गीकरण किया था, अब है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। उत्तेजना प्रणाली के आधार पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पृथक उत्तेजित। ठीक है, पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अलग से हमारे को क्या देनी पड़ती है फ्रेंड्स, डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है, हमारे को पोल को अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, प्रत्येक उत्तेजित जो जनरेटर होते हैं उसको हमारे क्या देनी पड़ती है, डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। किसको, पोल को देनी पड़ती है, क्योंकि पोल क्या होता है, एक तरह की विद्युत चुंबक होते हैं। पोल क्या होते हैं, एक तरह की विद्युत चुंबक होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक को अलग से हमारे क्या देनी पड़ती है फ्रेंड, डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। ठीक है, पोल को हमारे क्या देनी पड़ती है, डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। पोल एक्साइटेड जब होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पृथक उत्तेजित जनरेटर बोलते हैं। जब पोल एक्साइटेड होते हैं तभी डीसी जनरेटर क्या करता है, ईएमएफ का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो अब डीसी सप्लाई अब देंगे किस माध्यम से, तो डीसी सप्लाई देने का माध्यम क्या है, या तो हम दे सकते हैं डीसी जनरेटर से, ठीक है, या तो डीसी जनरेटर से दे सकते हैं, या फिर हम रेक्टिफायर के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, वही युक्ति जो कि एसी को डीसी में चेंज करती है। ठीक है, जैसे कि हम प्रयोग कर सकते हैं डायोड वगैरह पर। ठीक है, डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का यूज करके हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, पोल को एक्साइटेड करने के लिए। उसके अलावा हम बैटरी का भी यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पृथक उत्तेजित जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जनरेटर में क्या होता है कि पोल को एक्साइटेड करने के लिए अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। डीसी सप्लाई किसके माध्यम से जाती है, तो डीसी सप्लाई बैटरी के माध्यम से या फिर रेक्टिफायर के द्वारा दी जाती है, या फिर हम डीसी जनरेटर का भी यूज करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पृथक उत्तेजित अलग अच्छे से समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर के बारे में। स्व उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है, इसको अलग से डीसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पृथक उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है, हमारे को अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। डीसी सप्लाई देने के लिए हमारे को जनरेटर का या फिर बैटरी का या फिर रेक्टिफायर का यूज करना पड़ता है। इसमें अलग से हमारे को डीसी सप्लाई देने की जरूरत नहीं देनी पड़ती। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा जो जनरेटर द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है
उसी के द्वारा क्या होते हैं, पोल एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं के द्वारा जो पैदा किया गया ईएमएफ है, स्वयं द्वारा उत्पादित जो ईएमएफ है, यानी कि स्वयं द्वारा जो उत्पादित ईएमएफ है, उसी से क्या होता है, पोल क्या होता है, एक्साइटेड होता है। उसी से क्या होता है फ्रेंड्स, पोल एक्साइटेड होता है, ठीक है। तो इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, स्व उत्तेजित जनित्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जनरेटर को अलग से मर क्या देनी पड़ नहीं पड़ती, डीसी सप्लाई नहीं देनी पड़ती। ये स्वयं के द्वारा जो उत्पादित किया गया जो ईएमएफ है, स्वयं के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न किया था, उसी से क्या होता है, पोल एक्साइटेड यानी कि पोल उत्तेजित होता है। इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, स्व उत्तेजित जनित्र बोलते हैं। अब स्व उत्तेजित जनित्र फ्रेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, शंट सीरीज और कंपाउंड, जिनका हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं सीरीज जनरेटर के। सर सीरीज जनरेटर किसका प्रकार है, जो स्व उत्तेजित जो जनित्र होता है उसी का ही डिवाइडेशन है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते फ्रेंड्स सीरीज जनरेटर के बारे में। फ्रेंड्स ये जो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसमें इसकी बात कर लेते सीरीज जनरेटर क्या होता है और कैसे बनता है। सीरीज जनरेटर फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें जो क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग जो होती है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है। आर्मेचर क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करने का काम करता है। तो मैं फ्रेंड्स अगर बात करूं आर्मेचर की, तो ये होता है हमारे पास एक आर्मेचर होता है, ठीक है। अब ये क्या होती है, इसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फील्ड सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आर्मेचर है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हम क्या लेते हैं डीसी सप्लाई यानी कि लोड लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, लोड को जोड़ा जाता है। यहाँ पर हम डीसी जनरेटर में क्योंकि हम क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, इसी को हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में क्या लगाई जाती है, फील्ड सीरीज वाइंडिंग लगाई जाती है, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणीक्रम में स्थापित किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फील्ड सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और लोड लगा ही होता है इसमें, ठीक है। अब आर्मेचर जो है सीरीज वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में लगा हुआ है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं किसमें वाइंडिंग कम होती है, किसमें ज्यादा होती है, ठीक है। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध हमेशा फ्रेंड ध्यान रखना, हमारे को आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, कम होता है। और वाइंडिंग के जो तार होते हैं, यानी कि मैं बात करूं कि मोटाई की, तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो तार लेते हैं हमेशा क्या लेते हैं, मोटा लेते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग इसमें क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग इसमें क्या होती है, मोटे तार की बनाई जाती है, मोटे तार की बनाई जाती है। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर तार मोटा होता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम रहता है, ठीक है। आर्मेचर को मोटे तार से बनाता है। और जो आपकी फील्ड जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को भी क्या बनाते हैं, मोटे तार से बनाए जाते हैं और कम लपेटे से बनाते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को भी, फील्ड वाइंडिंग क्या करते हैं, मोटे तार और कम लपेटे से बनाते हैं। यानी कि फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, मोटे तार से बनी जाती है और कम लपेटों से बनी जाती है। फील्ड वाइंडिंग को हम किसके श्रेणीक्रम में स्थापित करते हैं, आर्मेचर के श्रेणीक्रम में स्थापित करते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग क्या बनाते हैं, हम मोटे तार की और कम लपेटों की बनाई जाती है, जिससे इसका क्या, जो इसका जो इंडक्टेंस होता है, जिससे इसका इंडक्टेंस जो होता है फ्रेंड्स कम हो जाता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग किस से बनाते हैं, हम मोटे तार से और कम लपेट से बनाते हैं, जिससे इसका जो फ्रेंड्स इंडक्टेंस होता है वो फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगा, इंडक्टेंस क्या है, इसके उच्च रह सके। तो फ्रेंड्स हमने बात की थी कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, इसकी फील्ड वाइंडिंग क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, हम मोटे तार की बनाते हैं, क्योंकि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जब लगती है तो इसका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस पहली बात क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं। जिस वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं, यानी कि उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, मोटे तार से बनाते हैं। और टर्न जो होते हैं वाइंडिंग के, टर्न क्या होते हैं, लपेटे जो होते हैं, हम क्या करते हैं, कम लपेटों बनाते हैं, जिससे क्या होता है, वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस का मतलब फ्रेंड्स मैं बात करूं, इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो कॉइल होती है, ठीक है, किसी कॉइल के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो अवरोध होता है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉइल है, कॉइल के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो अवरोध है, यानी कि जो प्रस्तुत किया गया जो अवरोध होता है, ठीक है, यानी मैं बात करूं रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। तो जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। और इसमें लपेटे क्या होते हैं फ्रेंड्स, कम होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड हम फॉर्मूले देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो पूछा जाता है कि करंट का मान इसमें क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आई लोड करंट जो होती है,
और आई सीरीज जो करंट होती है, ठीक है, आई लोड करंट और आई सीरीज करंट वो किसके बराबर होती है, आई आर्मेचर करंट के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि आई लोड करंट और सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तीनों हमेशा क्या होती है, सीरीज करंट हमेशा बराबर होती है। लोड करंट, सीरीज करंट और आर्मेचर करंट तीनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होती है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको आर्मेचर के बारे में इसके सीरीज जनरेटर को अच्छे से समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स सीरीज जनरेटर हम यूज पढ़ लेते हैं, सीरीज जनरेटर यूज किस में करते हैं, तो सीरीज जनरेटर हम यूज करते हैं जो डीसी की जो पारेषण लाइन होते हैं, डीसी की जो पारेषण लाइन है, डीसी की जो पारेषण लाइन है उसमें वोल्टेज बूस्टर हेतु, ठीक है, वोल्टेज के बूस्टर हेतु, वोल्टेज के बूस्टर हेतु हम क्या करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। वोल्टेज बूस्टर के रूप में हम किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड इसमें एक बात बताता हूँ आपको, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के क्यों नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि सीरीज जनरेटर को जब बिना लोड के जब चलाया जाता है, ठीक है, तो इसके जो परिपथ होता है, इसके परिपथ में क्या नहीं प्रवाहित होती, धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, इसलिए सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, अगर इस जनरेटर को बिना लोड के चलाया जाए, बिना लोड के क्या होता है, इसमें से जो बहने वाली जो धारा होती है, यानी कि मैं बात करूं लोड धारा की, लोड धारा क्या होती है, जैसे कोई आपने लोड लगा रखा है, ठीक है, तो लोड क्या होता है, लोड धारा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोड करंट बोलते हैं। ठीक है, लोड जो धारा ग्रहण करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोड करंट कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या, जब हमने लोड लगा रखा होता है तो क्या होता है कि डीसी सीरीज जनरेटर क्या होती है, लोड धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, इसकी टर्मिनल वोल्टेज में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जनरेटर अच्छे से काम करता है। अगर इसको बिना लोड के अगर हम चलाए जनरेटर को, तो क्या होता है, इसके परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता, ईएमएफ तो उत्पन्न होता है लेकिन धारा का प्रवाह नहीं होता, धारा का प्रवाह नहीं होने से क्या होता है, फील्ड पूरा नहीं, फ्लक्स नहीं बना पाती। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, डीसी जनरेटर को बिना, डीसी सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इसको पर्याप्त लोड से चलाना चाहिए ताकि इसमें जो इसके परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो अच्छे से प्रवाहित हो सके। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यही समाप्त करते, कल हम पढ़ेंगे शंट जनरेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।